हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे गोडाइडी डोमेन को रिन्यू करते हैं। हमारी वेबसाइट है eplanetcomputer.com, जो अभी हाल में ही एक्सपायर हुआ है। हम अपने इस वीडियो में इसे रिन्यू करके देखेंगे। सबसे पहले आपको गोडाइडी पर जाना है और अपने गोडाइडी अकाउंट को लॉगिन करना है। गोडाइडी अकाउंट लॉगिन करें, यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट करें। इनपुट करने के बाद आपका गोडाइडी अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको ये दिख जाएगा, एक नोटिफिकेशन आया है जिस पे लिखा हुआ है रिन्यू। रिन्यू पर क्लिक कर दें। रिन्यू पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसपे आपकी वेबसाइट का नाम लिखा होगा और उस पर दिया होगा कि आपको कितने पैसे कितने ईयर के लिए पे करने हैं, 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए। आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 साल चूज करें। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको अगर प्रोमो कोड पता है तो आप वहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसे कूपन कोड भी कहते हैं। यहाँ पे कूपन कोड इनपुट करें और अप्लाई कर दें। अब आप आई एम रेडी टू पे पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का मेथड पूछेगा, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई से करना चाहते हैं। अपने पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लें और कंटिन्यू टू परचेज पर क्लिक कर दें। एक नया पॉपअप ओपन होगा, उस पॉपअप पर आपका सारा डिटेल दिया होगा, जैसे बिलिंग इन्फो इंफॉर्मेशन, पेमेंट मेथड। आप वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो चूज करना चाहते हैं चूज करके और उसे मेक ए पेमेंट पर क्लिक कर दें। जैसे हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे अपने यूपीआई से, हमने यूपीआई चूज किया। चूज करने के बाद जो हमारा यूपीआई आईडी है, हम अपना यूपीआई आईडी बॉक्स में फिल करेंगे। फिल करने के बाद मेक ए पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। लोडिंग शुरू हो जाएगी। आपको इस पेज को रिफ्रेश और बैक नहीं करना है, ना ही कट करना है, नहीं तो आपका पेमेंट इस गेटवे में फंस सकता है। आपने जो यूपीआई चूज किया है, आपके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज को आपको क्लिक करना है और वहां से आपको पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका यहां पे सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको एक रिसीविंग प्राप्त हो जाएगी जिस पे आपका टोटल अमाउंट लिखा होगा। आप अगर चाहते हैं तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट रिसीप्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका पेज प्रिंट के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपके जितने ऑर्डर दिए हुए हैं सारे ऑर्डर दिख जाएंगे। आप अपने उस ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको सारा पेमेंट डिटेल दिखाई पड़ने लगेगा। आप इस पेज को प्रिंट टू पीडीएफ पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सेव एज पीडीएफ करके आप इसे सेव कर ले या आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाएगा। चेक करें आपका डोमेन रिन्यू हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आपका मैनेज बिलिंग में आपका दिखाई पड़ जाएगा कि आपका डोमेन रिन्यू हो चुका है। अब आप न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन करें। मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया। अभी ये पेज गोडाइडी का दिखा रहा है, यानी कि अभी हमारा डोमेन रिन्यू हो चुका है लेकिन यहाँ पे पेज लोड नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा, 10 से 5 मिनट लग सकते हैं इसे फिर से चालू होने में। 10 मिनट के बाद आप अपने इस
वेबसाइट को फिर से चेक करें, आपका डोमेन चलने लगेगा। ये देखिए हमारी वेबसाइट चल रही है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।